ये पाइप होता है, ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर देने, ठीक है, ये ओरिजिनल पाइप होता है इसका। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इंजन डिटेल करके फुल चमचमा दिया था, ठीक है, जबरदस्त हो गया था इंजन, और फिल्टर आपको पता है हमने उसका जो एयर इंटेक है वो डिलीट कर दिया था। और आपको पता है कि हम लास्ट से लास्ट में हमने अनबॉक्सिंग की थी, अपनी नई कोल्ड एयर इंटेक लाए थे और कुछ चीज़ें लाए थे। तो इस टाइम के हम अपना जो कोल्ड एयर इंटेक है वो अपनी गाड़ी में फिट करें, और कैसे करेंगे वो आज आपको साथ रखते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं टेबल की तरफ और एयर इंटेक की फिटिंग इधर ही करते हैं, फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ। सो जी, हम आ चुके हैं अपने टेबल की तरफ। तो सबसे पहले तो उसको खोल लेते हैं। रखते हैं साइड पे, ये हमारी आ गया फिल्टर, ये आ गया हमारा होस पाइप, और इस पे मैंने सेंसर जो है सेटअप कर लिया है। सेंसर सेटअप करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, बिकॉज ये जो इसका सुराख था ये बड़ा वाला था और सेंसर जो था छोटा वाला। अब उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप मार्केट जाएं, सेंसर नया लेके आए जो इसके साइज का हो, मैच करता हो और वो लगा दें, या फिर ये होता है कि इसका साइज जो है छोटा होता है तो उसके ऊपर टेप लगा के ना, मैंने जो नॉर्मल टेप नहीं होती वो लगा के उसको मैंने मोटा किया, मोटा करके इसमें जो है ये फिट कर दिया। ये आप देख सकते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से इसकी फिटिंग आई है, ठीक है, और ये साफ सुथरा लग रहा है। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो इसको इधर रखना है, सबसे पहले इसको इधर रखना है, फिर इसका जो ये रिंग क्लिप है इसको लूज कर लेना है हम लोगों ने। लूज हो जाए भाई, ठीक है, ये अब लूज हो गया। अब आपने देखना है कि हमारा आएगा फिल्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली जो इसकी चीज है ना, ये वाली चीज हमने थोड़ी सी ऐसे नीचे करके ना ये कुछ ऐसे सेटअप करना है। अब इसको मजीद थोड़ा सा लूज करके मजीद पाइप को अच्छे तरीके से बिठाना है, ठीक है। लूजिंग नहीं इसमें छोड़नी, लूजिंग छोड़ी तो फिर बड़ा काम खराब हो जाता है। और रखना भी इसको बिल्कुल सीधा है, लाइन करके ये कर दिया हमने, और इसको जो है अच्छे तरीके से टाइट कर देना। गंदे क्यों हो रहे हो यार? तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये बड़े बेहतरीन तरीके से जो है टाइट हो गए। बस बहुत ज्यादा भी टाइट नहीं करना, क्लिप स्लिप भी हो जाता होता है, ये ऐसे टाइट कर देना है। और अब ये कुछ इस तरीके से जो है ना हमारा फिल्टर आ जाए। बहुत बड़ा है तो मुझे लगता नहीं है कैमरे में आ रहा होगा। और इस रबड़ को कैसे लगाना था, इस रबड़ को लगाना था ऐसे, ये भी बिल्कुल सीधी लगानी है। जितनी आप सफाई से काम करोगे इतना जो है ना, जब भी आप खोलोगे अपना उड तो आपको मजा आएगा, ठीक है। और जितना गंदा काम करोगे तो फिर गंदा काम तो गंदा ही होता है, आपको पता है। ये उसके बाद ये इसके क्लिप्स खोल लेने। अब इसमें एक छोटा क्लिप है, एक बड़ा, ठीक है, बड़ा इधर ही आएगा इस जगह पे। अगर ज्यादा इसकी जो है थोड़ी खूबसूरती का ख्याल रखना है तो क्लिप को हम नीचे करके टाइट कर देंगे, बिकॉज ये जाएगा इधर ही। मैं इसको चेक कर लूँ, इसमें कोई गैप वगैरह स्पेस वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है, गैप नहीं आ रहा। इसको रख के इसको भी हमने टाइट करना है। थोड़ा सा जो है ना चीजों को लाइन वगैरह करके जब हम टाइट करते हैं, फिटिंग बनाते हैं, तो फिर थोड़ा काम खूबसूरत लगता है और खूबसूरत काम ही अच्छा लगता है, जैसा कि आपको पता है। तो इसको भी हम टाइट कर देंगे, ये हमने टाइट कर दिया, ठीक है, ये बिल्कुल ओजी बैठ गया अपनी जगह पे, जबरदस्त हो गया। और अब हमारे पास बचा है छोटा क्लिप, जो कि छोटा क्लिप आना है इधर, और ये एक बचा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको पतरी बोलेंगे, जो इधर से लग के ना हमारे उधर पीछे टाइट हो जाएगी,
गाड़ी के साथ इसको भी स्पॉट मिल जाएगी। तो पूरा टाइम जाया किए हुए चलते हैं गाड़ी की तरफ और इसको फिट करते हैं। सो फाइनली जी हम आ चुके हैं अपनी इंजन बे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, फिल्टर लगाना है के सबसे पहले एक ये पाइप होता है, ठीक है, इसको डिसकनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये ओरिजिनल पाइप होता है, इसके लोहे के साथ ऐसे फिटिंग बनी होती है बड़ी ज़बरदस्त करके। ठीक है, इसको डिसकनेक्ट कर देना है, नीचे डायरेक्ट पानी वाला पाइप लगा देना है और ऊपर डायरेक्ट जो है इनटेक वाला पाइप लगा देना है। ये पाइप सबसे पहले डिसकनेक्ट करना है, उसके बाद गाड़ी आपने स्टार्ट करनी है और ये कार्बोरेटर क्लीनर थ्रॉटल क्लीनर जो भी है आपके पास। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके इनटेक में इस वाली जगह पे जो है ना इस वाली जगह पे इसको स्प्रे करना है। इसको स्प्रे करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो ऑटो चोक है वो ज़रा साफ़ हो जाती है और इनटेक आपका जो है ना वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करके जो है ना इसको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद उस पाइप को खोलते हैं। इसको सबसे पहले शेक करना है। ठीक है, जस्ट शेक इट, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी ये अटैचमेंट आती है, ये लगानी है, आपको तो पता ही होगा। बस बहुत ज़्यादा आनी नहीं पानी। ठीक है, ये करके आप जो है पाइप उतार देना है और जो है फिल्टर सेटअप करना है। अब जरा मैं गाड़ी को दो मिनट ऐसे स्टेबल छोड़ देना है कि अंदर जो है ना वो हो जाए, इसके एक बार फ्लो में आ जाए ये थ्रॉटल क्लीनर और आपकी जो अंदर से जो भी लवाजमात हैं वो साफ़ हो जाए। बॉटल को रखते हैं हम साइड पर और थोड़ी सी एक्सीलेट करते हैं गाड़ी। तो गाइस फाइनली अभी हमारी जो है ये रेडी है, ठीक है, नया इंटेक सेटअप करने के लिए। तो इसको उठा देते हैं, ये आप देख सकते हैं पानी है, पानी को साइड पर फेंकेंगे। ये हमारे पास आ गया, मैं ज़रा आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ क्लास रख के। अच्छा, फोकस। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसके साथ जो है दो पाइप हैं। ये फोकस कर यार बॉय, ये अब इसके साथ दो पाइप हैं। ये पाइप हमारा जो है ये ऑयल को ऑयल वाले इसके साथ लगा होता है टापे के साथ और ये इंटेक में सीधा जाता है और ये वाला जो है ये पानी के लिए होता है। ठीक है, पानी को सप्लाई करता है। काम दोनों का एक ही है। अभी हमने ये पाइप निकाल देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा सेटअप हो जाता है। निकाल के हमने डायरेक्ट जो है पाइप लगा देना है और इंटेक लगाते हैं। तो चलें इंटेक लगाने का प्रोसेस शुरू किया जाए। पास आ गई इंटेक। ठीक है, इसको सबसे पहले सेंसर ढूंढ के सेंसर साइड पे कर लेने। ठीक है, सेंसर ना घूम जाए नीचे कहीं। और गाइस इतना सा काम था। ठीक है, ये हमारी जो है फिटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब इसको ये देखें, ये अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे हिलता रहेगा। इसको ऐसे करके जो है ना इस जगह पे इसकी कहीं फिटिंग करनी है। अब आपको जो है एक्यूरेट नज़र आ रहा होगा कि दूसरा पाइप हमारा किधर लगा है। तो ये हो गया नेस कम टैड हो गया उस्ताद जी। अब ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो क्लिप लगा है ये आप देख सकते हैं, इसको मैं टाइट करता हूँ, देखता हूँ अगर फिल्टर टाइट हुआ तो इसको ओके करेंगे, नहीं तो फिर उस्ताद जी इसका जो है ना कोई हल सोचना पड़ेगा। इसको हैवी गर्मी पहाड़ी है, ठीक है, वादू गर्मी जिसको कहते हैं ना वो वाली पहाड़ी है। हालत आप देख सकते हैं, काम सारा कम्प्लीट किया है अभी, तो काम के रिलेटेड आपको बताते चलें। ठीक है, कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं तो कुछ लोग उसको डिसएडवांटेज समझते हैं पर कुछ लोग नहीं समझते। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसका हल्का सा जो है ना स्कूप आता है, मतलब कि ये फिल्टर लगा होता है ना तो हल्का सा इंजन की साउंड जो है वो मज़ेदार हो जाती है। ठीक है, मज़ेदार प्यारी साउंड हो जाती है हल्की सी, पर लोग कुछ लोग जो है ना इसको हल्का सा डिसएडवांटेज समझते हैं। तो हर बंदे की अपनी सोच है, पर ये इतनी सच वो होती नहीं है। एडवांटेज की तरफ आ जाएं तो गाड़ी की पिक थोड़ी सी बढ़ जाती है, हल्की सी पिक में फ़र्क डालता है।
जो जेन्युइन फिल्टर आपको 1200-1400 रुपया ऑयल के साथ चेंज करना पड़ता था, वो आपका खर्चा बच जाता है। ठीक है, इसको आर ऑयल के साथ चेंज नहीं करना पड़ता, ये बस लगा दिया है। ये जब अल्लाह को प्यारा होता है तो फिर नया लगा देते हैं। ये ओरिजिनल मिलता नहीं है, ओरिजिनल लग जाए तो फिर तो सुकून हो जाता है। ओरिजिनल इधर से मिलता नहीं है और ये ही मिलता है जो लगाया है अभी। ठीक है, ओरिजिनल आते हैं, केनएनस के आते हैं, स्मोटा के आते हैं, पर इधर अनफॉर्चुनेटली मिलता नहीं है, तो इसी को लगा के हम लोग अपना गुजारा चलाते हैं और सीनों के करते हैं। और गाड़ी की फ्यूल एवरेज मामूली सी हल्का सा फर्क पड़ता है, अच्छी हो जाती है, फ्यूल एवरेज जो है स्टेबल हो जाती है, बिकॉज गाड़ी जब आपकी स्टेबल चलती है तो फ्यूल एवरेज भी अच्छी देती है। तो ये सिनेरियो था। ठीक है, शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया है, और होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।